नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में। कल एट द एंड इस स्टॉक में बढ़िया मूव आया, 156.55 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, 2.5% से ज्यादा की तेजी थी। देखिए ये स्टॉक ना आपको बेचना नहीं है, एक चीज तो आप समझ लीजिए क्लियरली कि बेचना नहीं है। दूसरी चीज ये होती है कि क्या खरीद सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इस स्टॉक को लेकर मैंने आपके साथ मार्च मंथ में वीडियो शूट करी थी, 142 के भाव पे था, खरीद के चलना है, 132 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस ट्रिगर करा है स्टॉक ने, जिस दिन ट्रिगर हो रहा था उस दिन भी वीडियो बनाई कि ट्रिगर हो रहा है बट बेचना नहीं चाहिए, अगर आप रख सकते हैं डेफिनेटली रखो, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। आपके साथ क्लियर कट वर्ड्स में बोला, ट्रिगर होने से पहले भी बोला था कि नीचे जा रहा है बट क्यों जा रहा है नहीं पता, इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, बेचना नहीं है, ये तब भी बोला। उसके बाद सेम डे सिंगल डे में, नेक्स्ट डे था आई थिंक या फिर 3-4 दिन बाद, सिंगल डे में स्टॉक में रैली आई 14-15% की, जहां स्टॉक 153 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा, जिसके पीछे के दो बड़े कारण थे। UBS की एक रिपोर्ट, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की, जहां पे उन्होंने कहा कि 200 रुपए के लक्ष्य हैं इस स्टॉक को लेकर, काफी पॉजिटिव होते हुए दिखे थे वो, कि ये जो ट्रांजेक्शन फी पे सरकार ने कह दिया लगेगी ही लगेगी, ये बहुत बेनिफिशियरी है इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए। इसके बाद स्टॉक भागा और फिर वहीं पे सस्टेन कर रहा है, मार्केट में इन्फोस के नंबर आए, मार्केट नीचे आया ऊपर गया, ये स्टॉक 150 के नीचे नहीं गया, इस स्टॉक ने काफी बड़ी स्ट्रेंथ शो करी। हर समय यही कहता आया हूं पिछले 1-1.5 महीने से कि IEX नहीं बेचना है। अब डायरेक्टली चलते हैं टेक्निकल बेसिस पे बात करते हैं कि भैया क्यों इतना ज्यादा बुलिश हो रहा हूं मैं। अगर आप इस स्टॉक का मंथली कैंडल खोलोगे तो आपको दिखेगा बहुत लंबे समय से गिरावट चल रही है, लगभग दिसंबर 2021 यानी ऑलमोस्ट 12 महीने 22 के, और अभी अप्रैल चल रहा है 4 महीने से ये स्टॉक कंटिन्यू आपके लिए गिरता हुआ दिख रहा है, कंटिन्यू। ये आपके लिए अप्रैल मंथ में फर्स्ट कैंडल ऐसी है जिसने पिछले 6 महीने के हाई को निकाला है और ट्रेड कर रहा है और मंथ एंड होने वाला है, यानी मंथली क्लोजिंग ऊपर आ रही है, पूरे महीने के टॉप पे आ रही है और पिछले 6 महीने के लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे मंथली कैंडल खोलोगे तो समझ में आएगा जो मैं ज्यादा कहना चाह रहा हूं, और आप खोलोगे तो आपको कन्विक्शन ज्यादा आएगा, सबसे बड़ी बात यह है। अब देखिए इस स्टॉक ने क्या करा है, लास्ट महीने यानी मार्च का जो लो था 125 था, जो हाई था 154 था, जिसको इस महीने ब्रेक कर दिया है, लो को ब्रेक नहीं करा, लो 129 है, लास्ट महीने 125 था, इस बार 129 है, लेकिन हाई जो लास्ट मंथ आपका 154 था वो ब्रेक करके अभी स्टॉक आपके लिए हाई लगा चुका है 157 का इस महीने, और स्टॉक की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 156.55 पे आई है, यानी कि हाई ब्रेक करा है। और ये स्टॉक सिर्फ 6 महीने नहीं, 7वें महीने का भी हाई 165 है, जिसको ब्रेक करने की तैयारी में, और ट्रस्ट मी उसके बाद सीधे 188 के लेवल्स आ रहे हैं वन साइडेड। तो पहले तो इस स्टॉक को लेकर मैं आपको क्लियर व्यू बताता हूं, 165 और 185 ये दो लक्ष्य हैं आपके लिए आने वाले 1-2 महीने, मे बी तीसरा महीना भी लग जाए, बट ये स्टॉक बेचना नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे भैया स्टॉप लॉस क्या होगा खरीदना चाहें फ्रेश, तो देखिए लिटरली टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस बहुत नीचे आ रहा है, क्योंकि अगर आप अप्रैल मंथ का लो देखेंगे तो 129 का, जिसका स्टॉप लॉस रखना बहुत मुश्किल है, तो आप टेक्निकल बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि आपका 149 या 147 पे बनेगा, ठीक है, तो वो भी नीचे है बट इतना तो आपको मिनिमम रखना पड़ेगा। गिरावट में लेने के मौके ढूंढते रहो, स्टॉप लॉस मत रखो, कैश में खरीदते रहो, लिमिटेड क्वांटिटी खरीद लो तो आपका पैसा बन जाएगा, या फिर आप टेक्निकल बेसिस पे आप लेना चाहते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, तो 153-154 पे दोबारा मिले खरीदो इस स्टॉक को, स्टॉप लॉस 147 का, टारगेट 165 और 180-185 तक के। अब आते हैं फंडामेंटल बेसिस पे, देखिए पहले तो MIT ने इस स्टॉक में खरीदारी करी है जो मेरे लिए सुपर पॉजिटिव है। दूसरा IEX की बात करूं तो आपके लिए इस स्टॉक में 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 217 का 52 वीक आई है, 350 रुपए के समथिंग का लाइफ टाइम आई है, अच्छी खासी करेक्शन पे, रिटर्न ऑन इक्विटी 47.6%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 62.1%, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 0.25% की डिविडेंड यील्ड भी है। स्टॉक की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा है, नॉर्मली सस्ता हो चुका है, और एक मोनोपोली स्टॉक है, मोर देन 90% का मार्केट शेयर कंपनी लेके बैठी है एक्सचेंज के मामले में, पावर के एक्सचेंज के मामले में, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी और क्वालिटी का स्टॉक है। अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे पिछले 3 महीने से रिजल्ट्स भी सुधर रहे हैं, बट केवल 1-1 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है, जून में 69 करोड़ था, सितंबर में 70 करोड़ हो गया और दिसंबर में 71 करोड़ हो गया। अगर आप देखें तो लगभग FY20 में 178 करोड़ का प्रॉफिट, FY21 में 213 करोड़ का प्रॉफिट,
FY22 में 303 करोड़ का बेस प्रॉफिट और करंटली टीटीएम बेस पे हल्का प्रॉफिट में डिप आया 291 है और इसी वजह से स्टॉक में भी करेक्शन है। लेकिन अगर आप देखें तो टीटीएम बेसिस पे स्टॉक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 2% बढ़ा है लेकिन स्टॉक का प्राइस 27% घट गया है, तो एडजस्ट ऑलमोस्ट कर दिया है। 5 साल की बात करें तो 24% कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है और स्टॉक का प्राइस के अगर भी 24% है, यानी कि एकदम एक्जैक्टली सिमिलर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी थोड़े से चेंजेस आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। FIIs के पास लगभग 17.88% हो गया है, लास्ट क्वार्टर 15.49% था। DIIs के पास 21.73% से घटकर 21.53, यानी थोड़ा सा घटा है लेकिन FIIs का अच्छा बढ़ा है। पब्लिक की बात करें तो 60% है लेकिन यहाँ पे कुछ बड़े नाम भी हैं लाइक DPVL वेंचर 7%, दालमिया पावर लिमिटेड 3.74%, दालमिया सीमेंट 4.717%, यानी ऑलमोस्ट 15% के समथिंग का स्टेक इन बड़े लोगों के पास है, बाकी का पब्लिक के पास है। तो थोड़ा पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है, बाकी कोई इशू नहीं है, बट ये स्टॉक मुझे लगता है अब यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।